नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी MR के लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। दोस्तों, कुल आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको मैक्सिमम सोल्व करने हैं। टाइम आपके पास केवल और केवल 30 मिनट्स का है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं और हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने आपके लिए टॉप 500 GK और टॉप 500 साइंस की क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। फरवरी में आपका जो MR का एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन आप रट लीजिए। दोस्तों, आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। बढ़ते दोस्तों हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बिक्टन यानी बेटन जो कप था दोस्तों, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 सेकंड का समय आपको मिलता है सही उत्तर कमेंट करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? चार सेकंड आपको सही उत्तर कमेंट करने के लिए मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज रेफर टू द फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन टेंपल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सन टेंपल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल योग दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर मेंबर ऑफ डैश, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेहरौली पिलर इन द कम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरिटी फेमस फॉर, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हार्वेस्टिंग सेशन ऑफ खरीफ कॉर्प इन इंडिया इज, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, अशोक के अभिलेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ब्रहिमी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटरिनिटी विच इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज टेकन फ्रॉम, स्वतंत्रता समानता बंधुता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिए गए थे? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कुशल केंद्र स्किलिंग सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द सिटी ऑफ डैश, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल केंद्र कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर हो जाएगा नोएडा, नोएडा इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा जापानीज, जापानी, जापानीज, जापानीज का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवलाली, देवलाली सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिज इज द टेक्निक यूज्ड इन, ब्रिज किस में अपनाई जाने वाली तकनीक है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा कुश्ती, रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर हो जाएगा डज कैपिटल, डज कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है समाजवाद की बाइबल जो है कहा जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म डज कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजा रवि वर्मा वाज अ ग्रेट पेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल, ऑप्शन नंबर डी केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुचिपुड़ी इज अ फोल्क डांस ऑफ डैश, कुचिपुड़ी डैश का एक लोक नृत्य है। आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केवलादेव नेशनल पार्क इज इन डैश, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। आप सभी को बताना चाहिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन कंप्यूटर साइंस डाटा हैजार्ड्स अकर व्हेन, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइपलाइंस चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रियल राइट एक्सेस द ऑपरेंट्स, पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंट्स के लिए बदल देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रेच्ड, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो आप सभी को पता है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाली, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों द कंपोनेंट यूज्ड फॉर टर्निंग अ रेडियो इज बेसिकली अ वेरिएबल डैश, द कंपोनेंट यूज फॉर टर्निंग रेडियो इज बेसिकली अ वेरिएबल डैश, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कंडेंसर, संगणक कंडेंसर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर ऑटम, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीरो केल्विन इज डैश इक्विवेलेंट टू, जीरो केल्विन इज इक्विवेलेंट टू, जीरो केल्विन किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वाटर, पानी, वाटर पानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए रेन वाटर, वर्षा का जल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज इज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा को चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, द कंसंट्रेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिग डीपर, बिग डीपर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डिंग एज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर, ब्यूफोर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी विंड वेलोसिटी यानी हवा की गति को चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द कॉन्टामिनेटेड साइट इज कॉल्ड, कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बायो रिमेडिएशन को चुना है, जैव उपचारीकरण को चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑफ द मोस्ट सॉलिड वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट करता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपको कमेंट करना है, बाकी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है दोस्तों कहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज टू प्योरीफाइंग वाटर बिकॉज, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स कॉजेज पोल्यूशन ऑफ डैश, फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोइल एंड वाटर पोल्यूशन, मृदा तथा जल प्रदूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच सेल इन पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है इजलेट्स ऑफ लैंग्रेंस, आईलेट्स ऑफ लैंग्रेंस बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है पैंक्रियाज की कोशिकाएं होती हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन को जो है सेक्रेट करती हैं यानी स्त्रावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, जब हम किसी वस्तु या पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टे को चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो रेटिना होती है आँख का जो पार्ट, उस पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक और उल्टी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी कोयले को चुना है तो बिल्कुल सही है, कोयला दोस्तों भारत में ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जो है रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इज यूज इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ऑस्मोसिस को चुना है, प्रतिवर्ती प्रसारण को चुना है, तो बिल्कुल सही है, आरओ जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विनेगर इज सिरका क्या है, CH3COOH, सिरका जो होता है दोस्तों वो एसिटिक एसिड होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड को हम विनेगर कह देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कोजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन फ्यूल को चुना है तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन फ्यूल से वातावरण में काफ़ी ज़्यादा कम प्रदूषण होता है और ये ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मास और वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी पर डिपेंड करती है, गतिशील पिंड के वेग और भार पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 mv² होती है, यहाँ पर जो m है वो मास है, v यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी है, तो आप बता सकते हैं कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी पर जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, इन विच फोर इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है कि क्या जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है काइनेटिक एनर्जी, तो बिल्कुल सही चुना है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है आइसोटोप्स, वो बिल्कुल सही चुना है, आइसोटोप्स जो होते हैं दोस्तों उसमें जो है मास नंबर तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो एटम नंबर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, आइसोटोप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मैथमेटिक्स से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8250 एट 8% पर एनम फोर 3.5 ईयर्स। दोस्तों 8250 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको निकालना है, तो दोस्तों इसे आप सोल्व कीजिए, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2310, 2310 यानी 2310 रुपीज़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हाउ मेनी सबसेट्स इन ऑल देयर ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, एक समुच्चय में एन अवयव हैं तो कुल कितने उपसमुच्चय होंगे। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही उत्तर आपको बताना है, 2n इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाई आपको करना है, स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, राइट आंसर मुझे आप इसे सोल्व करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए अगर आपको सोल्व करने के बाद मिला है 18, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कन्वर्ट 0.21 टू ए वुगलर फ्रैक्शन, 0.21 को साधारण बिन में बदलिए, तो नीचे बस आप 100 लगा दीजिए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 19/90 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 0.21 है, अगर आप इसे ट्रिक से भी करेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
162, 132 and 273 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62, 132 तथा 237 में जोड़ या भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 35। ऑप्शन नंबर डी 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मैथम समापवर्तक जो होगा वो 35 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों डिक्रीज 60/25% 60 में से 25% कम करने पर होगा। तो 60 का 25% निकालिए, उसे 60 में से आप घटा दीजिए। 60 का 25% 15 होता है, 60 में से 15 घटाएंगे तो 45 ऑप्शन नंबर सी 45 आपके पास आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों अ शॉपकीपर बोट अ टेबल फॉर रेट 800 एंड सोल्ड इट फॉर रेट 850, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार एक मेज 800 रुपये में खरीदा और उसे 850 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि होगा। तो दोस्तों इस केस में जो है उसे 6.25% जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस केस में दोस्तों से लाभ प्रतिशत होगा 6.25 का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब आपको ऑनेस्टली मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। बिल्कुल ऑनेस्टली आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एनालाइज करूँगा कि आप जो है रोजाना टेस्ट को देखते हैं तो कितना जो है आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर आप सिंपली जो है कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम के काफ़ी कम जो है दिन बचे हुए हैं तो अन अकेडमी पर मैंने टॉप क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उन्हें जरूर से देख लीजिए दोस्तों। बार बार कह रहा हूं मैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फरवरी में आपका एमआर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो आप देख लीजिए दोस्तों। रोजाना मैं आपके लिए जीके की और प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, ये भी रोजाना देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी के बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।